नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एमडियन इन्फॉर्मेशन में। प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन जल्दी शुरू होने वाला है। जी भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन मार्च महीने से शुरू होने वाला है। इसकी वेरिफिकेशन यानी इसकी पुष्टि सभी नगर पंचायतों के जो डूडा ऑफिस है वो कर रहे हैं, जो की भाई लाउड स्पीकर की सहायता से गली गली मोहल्ले में प्रचार कराया जा रहा है की मार्च महीने से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का आवेदन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है आपके पास, जो की आपके आवेदन करने में बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, जो सामने दिख रहा है कि प्रधानमंत्री थंबनेल दिख रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन 2023। दोस्तों, बिना शादीशुदा को भी मिल जाएगा इस बार आवास। वैसे तो बहुत पहले भी सभी लोगों को मिला है दोस्तों, लेकिन आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप 18 से प्लस है तो आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। जी हाँ भाई, आप अगर 18 से प्लस है तो आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा अगर आप किस तरीके से आवेदन करते हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है और कौन कौन सी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप शादीशुदा नहीं है तो, और अगर शादीशुदा है दोस्तों तो आपको और भी आसानी होगी आवास योजना का लाभ लेने में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल एमडीएन इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। जी हाँ भाइयों, अगर आपके पास ये कुछ दस्तावेज रहेंगे तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए लाभ लेने के लायक रहेंगे। तो दोस्तों, कल ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिससे आप प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत दोस्तों 1-2.5 लाख रुपए मिलता है, कहीं कहीं 3.5 लाख रुपए मिलता है, लेकिन ग्रामीण में 1,20,000 रुपए मिलता है और 1,40,000 मिलता है कहीं कहीं पर, लेकिन शहरी में 2.5 लाख रुपए मिलता है। दोस्तों, आपको मैं चलिए डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर देखेंगे पहचान पत्र, प्रमाण पत्र यानी दस्तावेज, जो भी वेतन भोगी है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर सामने देखेंगे पहचान पत्र यानी दोस्तों जो वोटर आईडी कार्ड होता है जिससे हम लोग वोट डालते हैं, साथ में आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें नहीं होने के बाद भी तरीके हैं, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा। पासपोर्ट हो सकता है आपके पास, सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड, इसमें से आपके पास सरकार द्वारा प्रमाणित सत्यापन प्रमाण पत्र A to Z, इनमें से कोई भी रहेगा आपके पास तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर भी देखिए कुछ प्रमाण पत्र है, वही सेम कैटेगरी के प्रमाण पत्र है। देखिए, इसमें सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, वीडियो ध्यान से देखिए भाइयों। अब देखिए, जो आपके एड्रेस के लिए लगता है कि आप वहाँ के निवासी हैं, बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे आवास योजना का लाभ मिल सकता है क्योंकि मेरा घर उत्तर प्रदेश में है। मुश्किल तो है भाइयों, लेकिन कोई अगर घर का सदस्य उत्तर प्रदेश में निवासी के रूप में रह रहा है तो आप आवास योजना के लाभदायक हो सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि आपका आधार कार्ड में वो एड्रेस होना चाहिए जो आपके ग्रामीण में सभी लोगों के लिए मेंशन किया गया है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल या फिर राशन कार्ड, ऐसे जितने भी मैंने बताए दोस्तों, इनमें से आपके पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र के रूप में होना चाहिए इतने कागजों में से। अगर कुछ नहीं है इसमें, अन्य प्रमाण पत्र भी है, देखिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र होता है जो कि डूडा ऑफिस में मिलता है, उसको वेरीफाई कराना पड़ता है तहसील से, बैंक खाता मस्ट है भाइयों, पैन कार्ड और यदि कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप उसमें से लगा सकते हैं। तो योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सभी बेघरों को घर देने के लिए किया जा रहा है, सबके पास अपना पक्का घर मकान हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक लक्ष्य है कि सबका घर हो अपना, सबका सपना हो अपना घर हो। अगर दोस्तों आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए तो MDL इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,